यूं तो कहने की बातें हैं कि महिला पुरुषों के बराबर कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है। आज हमें उसका जीवंत रूप से वास्तविक उदाहरण देखने को भी मिला कि एक महिला समिति पूर्ण रूप से 100% महिला सदस्यों के द्वारा गणेश बैठाया गया था और स्थापना से लेकर विसर्जन तक के सारे कार्य महिलाओं के द्वारा किए गए, जो कि अपने आप में एक अनूठा उदाहरण है और आने वाली महिलाओं को, युवतियों को प्रेरित कर शक्तिशाली महिलाओं की सशक्त और रंग बिरंगी पहल श्रीयुक्ता महिला उत्सव गणेश समिति एक श्रीयुक्ता महिला गणेश उत्सव समिति में रंगारंग कार्यक्रम के साथ गणेश विसर्जन महिलाओं द्वारा बहुत ही जोश और खरोश के साथ किया गया। समिति की अध्यक्षा सुमन पांडे जी के द्वारा रोज नए नए कार्यक्रम इस दौरान किए गए। गरबा, भजन और विविध गेम बच्चों के लिए, साथ ही फैंसी ड्रेस महिलाओं के लिए और भाषण प्रतियोगिता भी आयोजित की गई। कौन बनेगा नेता प्रतियोगिता भी यहां पर रखी गई। इसके साथ ही रस्सा कशी, कुर्सी दौड़, टोपी उठाओ, महा आरती, भजन प्रतियोगिता आदि की गई। रोशनी गेंद्रे, ममता सिंह, मंजू तिवारी, जूही महुली, नीलू गजपाल, शीरिन पांडे, कल्पना ठाकरे, कंचन सहगल, सारिका देवांगन, नीतू साहू, पद्म चंद्राकर, स्वेच्छा शर्मा, भावना सावंत, योगिता दुर्गेश, नंदिनी, सावित्री सिन्हा, लता काव्य, रिया राम, टेके रानी चंद्राकर आदि लोगों ने प्रतिभागियों को पुरस्कृत भी किया। अध्यक्षा सुमन पांडे ने अलग अलग समिति बनाकर सभी को जिम्मेदारियां इस दौरान समिति महिला सशक्तिकरण का जीवंत उदाहरण यहां पर साफ नजर आया, जहां महिलाओं ने बढ़ चढ़कर यहां पर हिस्सा लिया। नमस्ते, मैं नीलू गजपाल, श्रीयुक्ता समिति समिति की सचिव। हम लोग पिछले 10 वर्षों से गणेश जी की स्थापना करते हैं अपनी कॉलोनी में और बहुत ही सौहार्दपूर्ण वातावरण में सभी इंजॉय करते हैं, बड़े बच्चे वयस्क सभी, और महिलाएं मिलके हम सब दिवाली मिलन, होली मिलन, वृक्षारोपण, कभी कभी भागवत भी कराते हैं। तो बहुत ही कॉलोनी का माहौल बहुत सौहार्दपूर्ण और सब एक दूसरे के सुख दुख के साथी बनते हैं और बहुत ही अच्छा लगता है ये सब आयोजन करने में। और हमारी दीदी पांडे दीदी के नेतृत्व में ये सब कार्यक्रम होता है और सभी बहुत अच्छे से एंजॉय करते हैं। थैंक यू। सभी को मेरा नमस्कार। मैं श्रीयुक्ता समिति की अध्यक्ष सुमन पांडे। श्रीयुक्ता महिला गणेश उत्सव समिति पिछले 10 वर्षों से कार्य कर रही है, जिसमें हम विविध कार्यक्रम करते हैं, तीज मिलन, दिवाली मिलन, होली मिलन और गणेश प्रतिमा की स्थापना करके पूरी कॉलोनी की महिलाएं एकजुट होकर गणेश उत्सव मनाती हैं। 11 दिन का रंगारंग कार्यक्रम चलता है, जिसमें महिलाओं और बच्चों के लिए विविध कार्यक्रम किए जाते हैं। फैंसी ड्रेस, गरबा, टोपी उठाओ प्रतियोगिता, अंताक्षरी प्रतियोगिता और हाउजी खेली जाती है। हाउजी भी दिमाग लगाओ के थीम पर खेली जाती है। इस तरह 11 दिन का हमारा कार्यक्रम चलता रहा और प्रतिदिन 7 बजे आरती के बाद इस तरह के आयोजन को संपन्न किया जाता रहा। 18 तारीख को हमने गणेश विसर्जन बड़े ही धूमधाम से सरकार द्वारा दी हुई डेडलाइन को पालन करते हुए एक कतारबद्ध होकर ध्वनि प्रदूषण मुक्त गणेश प्रतिमा का विसर्जन शीतला तालाब में किया, जहां सभी महिलाएं एक ही रंग के पोशाक में मनभावन और लुभावन तरीके से डांस करते हुए गणेश प्रतिमा को विसर्जित करने पहुंची। यहाँ इसका मूल उद्देश्य समाज में और हमारे कॉलोनी में पारिवारिक वातावरण, आपसी प्रेम और सामंजस्य बना रहे और महिलाओं का उत्साह एवं कॉन्फिडेंस बढ़ता रहे, इसी उद्देश्य से इसकी स्थापना की गई है, जिसमें समय समय पर हम विविध आयोजन एवं कार्यक्रम करते रहते हैं। इस वर्ष बहुत सारे प्रतिभागियों ने भाग लिया और सभी को पुरस्कृत किया गया। धन्यवाद।
एसीएन न्यूज़ के लिए शाहीन खान की रिपोर्ट।